Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you transport of gases from a class 11th biology book. And in this video we are going to discuss about transport of gases like CO2 and oxygen. ठीक है, हमारी बॉडी में दो ही तरह की गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, ठीक है, और साथ ही साथ कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, उनका प्रेशर, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन सब का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम साथ में इस वीडियो में समझेंगे. ठीक है, तो ब्लड जो होता है, हमारे जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का ही कैरियर होता है. ब्लड के थ्रू ही ये गैसेस हमारे बॉडी की हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक पहुंचती हैं. सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेस. ये हम कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स की बात है, लेकिन कॉकरोच इसका एक जो है, या आप कह सकते हो कि ऑर्थोपोडा फैमिली इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इंसेक्ट्स में खासकर जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो उनकी जो बॉडी फ्लूइड होती है उसके थ्रू नहीं होता है. ठीक है, उनमें गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए उनकी बॉडी में एक पूरा का पूरा एक जाल बिछा रहता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया का. ठीक है, तो ट्रैकियल ट्रांसपोर्ट होता है उनके अंदर, और उनकी बॉडी में स्पाइरिकल्स होते हैं जिसके के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 एंटर और एग्जिट करते हैं उनकी बॉडी से, और ट्रैकिया के थ्रू उनका गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो ऑर्थोपोड्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनमें जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस ट्रांसपोर्ट और नॉट. तो गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में ब्लड जो है, जो बॉडी का फ्लूइड है ब्लड, वो गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सो द ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2 एंड अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है इसको भी कई बार पूछा गया है. ठीक है, तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड. तो ब्लड में RBC 97% ऑफ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, वही रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, एंड दिस हैज बीन आल्सो आस्क्ड इन क्वेश्चंस. ओके, और ऑक्सीजन के अलावा जो है CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट 20-25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म बाय RBC. ठीक है, RBC के साथ कंबाइन होकर के 20-25% जो CO2 RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, वही 70% ऑफ CO2 इज कैरीड एज ए बाइकार्बोनेट आयन. बाइकार्बोनेट मतलब H2CO3. ठीक है, H2CO3 ये बाइकार्बोनेट आयन होता है और इसके इस फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, क्योंकि ये काफी एक तरीके से कह सकते हो कि जो ब्लड का pH होता है दैट इज 7.4. ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज ए बफर, और अगर CO2 दूसरे एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी तो जो ब्लड का pH है वो चेंज हो सकता है, तो ये बफरिंग एक्शन प्रोवाइड करता है ब्लड को भी, और ब्लड का pH 7.4 मेंटेन रहता है. ठीक है, तो 70%. तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि CO2 का ट्रांसपोर्ट किस अमाउंट में, किस फॉर्म में होता है, तो 70% ऑफ CO2 इज बीन ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट आयन, और 20-25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय 20 इन द फॉर्म ऑफ बाय कंबाइनिंग विद RBC. वही 7% जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्ट जो है इट इज इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. तो ये तीनों ही फिगर्स आपको याद रखने हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इट इज ए क्वेश्चन. ठीक है, आप अपने बुक में इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे डबल क्यू करके मार्क कर सकते हैं कि इट हैज बीन आस्क्ड एज एन क्वेश्चन. ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कार्बन के ट्रांसपोर्ट को. ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमने देखा कि 97% जो है ऑक्सीजन थ्रू RBC ही ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, अब लेकिन हम ये देखते हैं कि RBC जो है
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लड जो आरबीसी है ये ब्लड टिश्यू स्पेसिस में जाता है तो वहां पे जरूरत इस बात की होती है कि जिस एफिनिटी के साथ ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया, अब ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को छोड़ दे, ठीक है। तो एल्वोलियाई जहाँ की हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के अंदर, जो एल्वोलियाई है वहां पे कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों की एफिनिटी एक दूसरे के लिए लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वहीं पे जब यही ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के टिश्यू स्पेसेस में पहुंचता है तो वहां पे अब कंडीशंस ऐसी बननी चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दे, क्योंकि अब ऑक्सीजन को टिश्यू स्पेसेस में जाना है। तो दोनों ही कंडीशंस को हम समझेंगे कि क्या ऐसे माहौल बनता है कि दोनों ही रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, वही हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के लिए इतना प्यार दिखाता है वहीं टिश्यू स्पेसेस में पहुंचने के बाद उसे वो डिटैच हो जाता है, तो क्या माहौल बनता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। इसके फोर पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल और हर एक पॉलीपेप्टाइड के बीच में एक हीम होता है, एक हीम सेंटर होता है जिसमें कि आयरन होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है तो हीमोग्लोबिन का भी जो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिससे कि हमारी बॉडी में इनफ एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता और जिसकी की वजह से हम लेथार्जिक थके थके से फील करते हैं, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर जब भी आप कहते हो कि हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स या ऐसे फूड खाने के लिए बोलते हैं जो कि आयरन कंटेनिंग हो, या जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां जो ग्रीन कलर के, क्योंकि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है और क्लोरोफिल के अंदर भी आयरन होता है, ठीक है। तो जब हम क्लोरोफिल कंटेनिंग सब्जियां खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, तो हमारी बॉडी में आयरन जाएगा और वहां से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होगी, वहां से ऑक्सीजन आएगा और हम ठीक हो जाएंगे, हमें फिर से एनर्जेटिक फील होगा। सो ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब वो दोनों ही तरफ रिएक्शन जाता है। जैसे कि अगर हम लेके हीमोग्लोबिन को Hb लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन लिखते हैं तो एक एरो इधर भी जाती है, ठीक है, एक एरो इधर जाएगी और दूसरी एरो इधर जाएगी, ठीक है। दोनों ही तरफ ये रिएक्शन हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। HbO2 ये जो बनता है तो ये दोनों ही डायरेक्शन में बनता है, ये कहने का ये मतलब रिवर्सिबल है, ठीक है। वापस से ये टूट के Hb और O2 अलग अलग भी हो सकते हैं टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब कंबाइन करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको कि हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर सकता है, तो योर आंसर वुड बी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर यानी कि जो एल्वोलियाई है, उस समय जब हमने पार्शियल प्रेशर पढ़ा था तो एल्वोलियाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 104। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन का जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जितना कम होगा ऑक्सीजन का, उतनी ही कम एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए होगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना है ब्लड में, टेम्परेचर क्या है, मतलब टेम्परेचर कितना है, लो है कि हाई है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद
O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2. अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को प्लॉट करें परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के साथ एक प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करें, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ में हमें देखने को मिल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये हमने लिखा है 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. तो जैसे जैसे हमारा पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग भी बढ़ रही है. बट एक पॉइंट ऐसे आया जहां की अब इसके बाद ये सैचुरेट हो गया. अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी अब इससे ज्यादा हीमोग्लोबिन इसके साथ बाइंड, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिट है, ठीक है. तो ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं एस शेप्ड कर्व या सिग्मोइड कर्व, ठीक है. ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका शेप क्या होता है, ठीक है. तो ये क्या होता है, सिग्मोइड कर्व. ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, इट इज अ सिग्मोइड कर्व, और ये किसके बीच में प्लॉट होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर हो गया, अब इससे ज्यादा जो है वो बाइंड नहीं कर सकता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ. लेकिन अगर इससे प्रेशर कम होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो जैसे अगर 100 प्रेशर पे बाइंड किया है इसने 100, तो उसके बाद अगर जैसे ही प्रेशर 80 होगा तो इसकी बाइंडिंग भी घट जाएगी, ठीक है. जैसे जैसे 40 प्रेशर आएगा तो इसकी बाइंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है. तो इसी कर्व को और स्टडी करते हैं हम टिश्यू स्पेसेस में. एल्वोलियाई में आप देखते हो कि ऑक्सीजन का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है, 100 के अराउंड रहता है, 104 रहता है. तो उस समय हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बिल्कुल सैचुरेट होती है, एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहती है, ठीक है. लेकिन जब ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ में जो है डिजोल्व होकर के टिश्यू स्पेसेस में पहुंचती है तो फिर क्या होता है. सो दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन. ओके, तो अब हम दो कंडीशंस देखते हैं. एक है कंडीशन पहली जो कि हमारे एल्वोलियाई में अराइज होती है. उसमें क्या होता है कि इन द एल्वोलियाई वेयर देयर इज हाई PO2, एल्वोलियाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई रहता है, 104 रहता है, एंड पार्शियल प्रेशर लो PCO2, यानी कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर काफी लो रहता है एल्वोलियाई में, और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन भी लो रहता है. उस वक्त वहां पे कोई भी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू स्पेसेस से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता जो कि कार्बोनेट में बन रहा हो और वो जो है हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करे. तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी लेस रहती है, एंड लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो वहां पे एल्वोलियाई स्पेसेस में जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी लो रहता है. एंड द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग के लिए ये सारे फैक्टर्स को हम कहते हैं फेवरेबल फैक्टर्स हैं, ठीक है. ये सारे फैक्टर्स प्रमोट करते हैं ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग. वेयर एज इन द टिश्यू, अब दूसरी कंडीशन कहाँ अराइज होती है, टिश्यू स्पेसिस में, जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ब्लड के थ्रू अब टिश्यू स्पेसिस में जब ये पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है. वेयर एज इन टिश्यू स्पेसिस लो PO2, यानी कि जब टिश्यू स्पेसिस में ब्लड जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो धीरे धीरे घटने लगता है, 95 के अराउंड आ जाता है, ठीक है. और हाई PO2 यानी कि जो टिश्यू स्पेसिस के थ्रू जो CO2 निकलता है वो वापस से ब्लड में आने लगती है, तो वहां पे पहले के कंपेरिजन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, एज वेल एज सॉल्युबिलिटी भी इसकी ज्यादा होती है, और हाई हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, वहां पे कार्बोनेट आयन की सिंथेसिस होती है जिससे कि हाइड्रोजन आयन निकलता है और इसकी कंसेंट्रेशन भी काफी बढ़ जाती है ब्लड में, एंड हायर टेम्परेचर. अब टिश्यू स्पेसिस में तो एज कंपेयर टू एल्वोलियाई वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है बॉडी का. एंड द कंडीशंस आर ऑल फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ये सारे कंडीशंस जो है वो प्रमोट करते हैं ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को फ्रॉम हीमोग्लोबिन. तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का ये कॉम्प्लेक्स बना था, अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, ठीक है.
और वो ऑक्सीजन अब टिश्यू स्पेसेस में चली जाएगी टिश्यू के यूज करने के लिए, और यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के साथ वो जो हीमोग्लोबिन है अब यहाँ पे अब जो बचा हुआ हीमोग्लोबिन है वो अब किसके साथ कंबाइन करेगा, CO2 के साथ में, ठीक है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है लंग्स में और डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू स्पेसेस में एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे ब्लड के थ्रू, ठीक है। सो CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब एक बार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट हो जाता है तो फिर अब वो CO2 जो कि टिश्यू स्पेसेस से वापस ब्लड में आते हैं उनके साथ कंबाइन करता है ये हीमोग्लोबिन, और इससे 20-25% ऑफ CO2 जो है वो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20-25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर अराउंड 45 आ जाता है टिश्यू स्पेसिस में। सो PO2 इज ए मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, और वहीं पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये भी इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम नहीं होता तो फिर वो जो है हीमोग्लोबिन को छोड़ता नहीं, ठीक है। तो इस वजह से दोनों का ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। वेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो एज इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, वेर एज when the PCO2 is low and PO2 is high as in the alveoli dissociation, जब ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, लेकिन अगर पार्शियल प्रेशर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही होगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होगी, ठीक है। फ्रॉम कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, ठीक है। दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वोलियाई। तो जैसे ही जो ये HB और CO2 का जो कॉम्बिनेशन है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन ये लंग्स के पास पहुंचता है वहां पे फैक्टर्स फिर से उलट हो जाते हैं, वहां पे फिर से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो ये रिएक्शन फिर से रिवर्सिबल हो जाती है और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और CO2 फिर से रिलीज हो जाता है हमारे नाक के थ्रू बाहर निकलने के लिए, ठीक है। एंड CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वोलियाई। RBCs कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि RBC के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया ये, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन होता है RBC के ऊपर एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और इसका कुछ क्वांटिटी प्लाज्मा में भी रहता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शंस। तो ये एंजाइम जो है एक रिएक्शन को करती है दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब रिवर्सिबल रहती है। तो ये रिएक्शन है CO2 और H2O, जब CO2 टिश्यू स्पेसेस निकल के ब्लड के अंदर आती है तो वो वहां मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो ये RBC के अंदर क्योंकि ज्यादा होती है तो RBC के अंदर ही ये रिएक्शन होती है, और RBC जो है CO2 को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये रिएक्शन एक बार और होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसके ऊपर फिर से लगता है और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में फिर ये, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यहाँ से ही हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्योंकि ये 20
आपके टिश्यू स्पेसेस में CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, ये रिएक्शन होती है, वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इसी वजह से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सो एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से CO2 का डिफ्यूजन हो जाता है ब्लड में RBC और प्लाज्मा के अंदर एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ओके। एंड एट द एल्वोलियरल साइट, जब एल्वोलियाई के पास ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो CO2 बन गया है, ये CO2 यहाँ पे था, ठीक है, ये CO2 अब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अबाउट 70% ऑफ CO2 इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है, कि CO2 का सबसे ज्यादा अमाउंट किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सो अब जब यही बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में डिजोल्व होते हुए इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ये एल्वोलियरल साइट पे पहुंचता है, जहां की पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यही रिएक्शन फिर से रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जहां पे टिश्यू स्पेसेस में ये इस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही थी सारी रिएक्शन, ये वाली हो रही थी, ये वाला हो रहा था, ठीक है। अब जैसे एल्वोलियाई के साइड में पहुंचा, ये बाइकार्बोनेट आयन वापस से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और ये बाइकार्बोनेट वापस से H2O और CO2 में कन्वर्ट होता है, और CO2 जो है वापस से हमारे लंग से रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो एट द एल्वोलियर साइट वेयर PCO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। दस CO2 ट्रैप्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वोलियाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2, ओके। एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अबाउट 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वोलियाई। तो हर एक 100 ml ऑफ ब्लड 4 ml ऑफ CO2 को डिलीवर करता है। तो हर एक 100 ml ऑफ ब्लड जो है 4 ml ऑफ CO2 जो है एल्वोलियाई में डिलीवर करता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दीज टॉपिक्स, यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई मस्ट टेल यू डैट आई फॉलो योर कॉमेंट्स जेन्युइनली एंड आई डू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। सो डू राइट टू मी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो do comment me by giving me a thumbs up or a like. Thank you so much.